जी सर, इंफीब्लिन के शेयर है 18 से लिया है, बाइंग किया है 5000। ये तो लेकिन मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में नवंबर से किसी भी एक्सपर्ट ने बोला भी हो सीएनबी सेवा आज पे। सर ये बीच में न्यूज अच्छी आई थी ना सर इसकी, तो फिर इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ शेयर मतलब 2000 शेयर, फिर अभी न्यूज आई थी ना तब और ले लिए इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और आपने कहा था सीएनबी सेवास के एक्सपोर्ट्स को देख के सुन, तो आप तो इन्फीबीम तो मेंशन नहीं था ये, मतलब आप अपने मन से भी कुछ कर रहे हो। हाँ सर, मतलब न्यूज भी देखी सर। कोई मतलब ऐसी इन्फीबीम ये दिक्कत वाला है मुझे आज तक, दिक्कत ये है। अच्छा पता नहीं न्यूज़ क्या आई थी, मैंने तो न्यूज़ बहुत एक्टिविटी ट्रैक नहीं करी इन्फीबीम की, लेकिन मेरे ख्याल से 2018 के आसपास 2-3 साल पहले एक बहुत तगड़ा करेक्शन इन्फीबीम में आया था, बहुत तगड़ा। उसके बाद से कईयों का भरोसा उठ गया था। अब ठीक है इन्होंने लॉन्ग टर्म आज तक, आप लोग हिम सिक्योरिटीज में इन्फीबीम को लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रैक करते हो और नहीं भी करते हो तो भी इनकी मदद कर दो प्लीज़। 18 रुपए पे खरीदा हुआ 15 रुपए पे इस समय चल रहा है लॉन्ग टर्म के लिया हुआ इन्फीबीम। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए हमने कभी इसे रेकमेंड किया नहीं है, लेकिन अभी मैं चार्ट्स क्योंकि मेरे सामने है और फंडामेंटल्स का थोड़ा बहुत अंदाजा है तो उसके भी आप पे बोलती हूँ। मैम अभी के जो नतीजे आए थे वो बहुत ठीक ठाक थे, कुछ बहुत ज्यादा उसमें कोई फायरवर्क्स नहीं थे कि बहुत तेज हो, लेकिन एवरेज थे, खराब भी नहीं थे। दूसरी तरफ देखे तो कंपनी की जो मैं यहाँ पे जहां तक मुझे ध्यान आता है कंपनी का केपेक्स साइकिल भी यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा ये लोग डेट फ्री होने की भी कोशिश कर रहे हैं और इन तरह की जो कंपनीज रहती है इसमें इनके 2-3 रेशियोज देखे जाते हैं, ग्रॉस टेक रेट नेट टेक रेट वो सब ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक सा काउंटर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आपको जब भी आपके भाव मिले तो आप निकलने का प्रयास करिए अभी, और ये चार्ट्स पे भी वीक लग रहा है पर मेरे हिसाब से फिर भी क्योंकि बड़ा नुकसान होगा मैं आपको अभी बोलूंगी निकलने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही वेट करिएगा और ट्रिगर हो तो निकलने का ही ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस आपको तकरीबन 13.80 रुपए का लगाना है, तो यहाँ से 2 से 3 रुपए नीचे आप मान लीजिए मोटा मोटी 13.70 रुपए या 13.80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ये स्टॉक एक दायरे में ही घूमता रहेगा आने वाले, अगर मैं कुछ हफ्तों की बात करूं दायरा इसमें बन गया है 14 रुपए से लेके 19 रुपए 20 रुपए के बीच में, इसमें ही ये घूमता रहेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पे मैम एक बार निकलने का प्रयास जरूर कर लीजिए क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है।